डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमई 310 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर नंबर 1 मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण। जैसा कि आप जानते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। मैनेजमेंट किसी कार्य को संपन्न कराने की कला है। एंड मोटिवेशन एनकरेजेस पीपल टू डू द वर्क। और मोटिवेशन एक वह फैक्टर है, वो फोर्स है जो लोगों को कार्य करने के प्रति उत्साहित करता है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है और इस इंटरेस्ट को जारी रखता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण एक तरह से इनर फोर्स है, जो आंतरिक फोर्स है जो लोगों को डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है या उनको उत्साहित करता है। ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट करने के लिए तीन तरह के मेथड काम में लिए जाते हैं जिससे लेबर या वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सके। पहला मेथड है इंसेंटिव्स, दूसरा है पे प्रमोशन एंड थर्ड इज रिवार्ड्स। तो फर्स्ट इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल यानी वित्तीय। इसमें एम्प्लॉयज को नकद राशि के रूप में जैसे बोनस इत्यादि दिया जाता है, या फिर उनको प्रॉफिट शेयरिंग कर दिया जाता है, या फिर उनको एम्प्लॉयज़ को किसी भी इंडस्ट्री के शेयर्स दे दिए जाते हैं। इसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल, इसके अंतर्गत हेल्थ एंड एजुकेशन की फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़, उनके लिए यातायात आवास की सुविधाएं, कैंटीन की सुविधाएं, ये सब जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आ जाते हैं। दूसरा मेथड है आपके पे प्रमोशंस। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में सभी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को एक प्रमोशन दिया जाता है जिसमें वो हायर पोजीशन पर पहुंचते हैं, उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इससे एम्प्लॉयज़ का भरोसा बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो वफादार रहते हैं और कार्य करने के प्रति मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन का थर्ड मेथड है रिवार्ड्स यानी पुरस्कार, यानी जो अच्छे वर्कर हैं उनको सम्मानित किया जाता है, समय समय पर उनको मैनेजमेंट में एक रोल दिया जाता है, उनको पार्टिसिपेशन मिलता है, उनका जॉब एनरिच किया जाता है। इससे क्या है, अन्य वर्कर्स को भी कार्य करने के प्रति मोटिवेशन मिलता है।